नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं आज की कैसे होता है जॉइंट फिटअप, और उसके फिटअप होने के बाद दोस्तों वेल्डिंग होने के बाद दोस्तों कैसा दिखता है जॉइंट सब। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते, देखते वीडियो में क्या देखने मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो जॉइंट दोस्तों इसमें अभी फिटअप होने वाला है इसमें है, तो अभी फिटअप तो फिलहाल फिटअप तो नहीं होने वाला है, पर फिटअप होना है इसमें ही है इसको। और दोस्तों के बाद दोस्तों इसमें, और दोस्तों इसका वीडियो में दिखाया आपको हूँ कि कैसे कैसे इसमें क्या करना है। और दोस्तों यहाँ फ्लांच सब रखा हुआ है, टी वो सब रखा हुआ है। दोस्तों इसका रेडिएटर का भी मैं आपको जॉइंट दिखाया हूँ फिटअप कैसे हुआ है, फ्लांच का भी फिटअप दिखाया हूँ फिलहाल कैसे वो फिटअप होता है। और दोस्तों अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग दोस्तों कि ये जो दोस्तों इसमें पाइप जो दिखाया था आपको मैं, कि वो कैसे कैसे क्या क्या होता है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वेल्डिंग जो उसका क्या क्या, देखिए दोस्तों ये जो अभी जस्ट दिखाया आपको मैं दोस्तों, वही पीछे दोस्तों ये फिर ये वेल्डिंग हो रहा है। तो दोस्तों फुल कंप्लीट हो गया जॉइंट, आज पूरा जॉइंट कंप्लीट हो कर के रेडी हो गया दोस्तों। तो अभी वेल्डिंग हो रहा है, देखिए दोस्तों उसके आगे दोस्तों पीस दिखाया था आपको, वो पीस दोस्तों वही रखा हुआ पीस है, वही फिटअप हुआ है दोस्तों। फिर दोस्तों एल्बो लगा है, उसके बाद दोस्तों इसमें एल्बो लग करके फिर पीस लग के फिर दोस्तों फ्लांच लग गया उसमें। और दोस्तों इसमें अभी जो मैं इसका फ्लांच का अलग और रेडिएटर का अलग वीडियो बनाया था मैं फिटअप का, तो दोस्तों वो बड़ा आज भी दोस्तों वेल्डिंग हो रहा है इसका। तो दोस्तों मेन क्या होता है, जब जैसे फ्लांच कोई भी जॉइंट कंप्लीट होता है तो फ्लांच से उसको वेल्डिंग करने के लिए तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों कितना लाल हो रहा है, लाल मतलब इसके लिए इतना लाल हो जाता है ये, ताकि जॉइंट जो हीट होगा तो जो भी कुछ कहीं अगर अंदर का जैसे कुछ रहेगा अगर, तो भी सब मेल्ट हो जाएगा इसके दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेकर वेल्डिंग किया जाता है, ताकि पावर थोड़ा लेके रखेगा तो दिक्कत कुछ नहीं होने वाला है उसमें। तो देखिए दोस्तों अभी इसका दोस्तों रूट हो गया, इसका हॉल पास चल रहा है अभी, हॉल पास अभी मतलब केरला के वेल्डर हैं, लीबू नाम इसका है लीबू। तो दोस्तों अभी ये फिर इसका हॉल पास अभी वेल्डिंग कर रहे हैं, हॉल पास वेल्डिंग मार रहे हैं अभी इस टाइम में। तो देखिए दोस्तों हॉल पास दोस्तों मारने के लिए दोस्तों बहुत टाइम चाहिए, थोड़ा सा बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो उसके दोस्तों लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, छोटा सा वीडियो में क्लिप में डाल रहा हूँ मैं, मतलब सबसे छोटा वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये 4-5 मिनट की वीडियो होगा शायद ये। तो देखिए दोस्तों ये अभी हॉल पास दोस्तों वेल्डिंग कर रहे हैं इसका। और दोस्तों हॉल पास वेल्डिंग करने से पहले आपको ध्यान देना है कि उनको कितना पावर लेना है, कैसे फिलर देना है, कैसे क्या क्या करना है, वो सब ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कभी भी आप हॉल पास मार रहे हैं, अगर अंदर रूट ना खींचे आपका, तो कभी भी आप जो टॉर्च चलाते हैं उसके सेंटर में फिलर रखिए, मीन्स जो रूट जो हुआ है रूट पर ही फिलर रखिए आप। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि कभी भी रूट आपका अंदर नहीं खींचेगा, और रूट से सोचिए कि हमें इसके एज पर देखे फिलर देखे वेल्डिंग करूँ अगर, तो फ्लाक से रूट अंदर खींच लेगा वो, क्योंकि वहाँ जगह खाली मिल गया उसको। और इसके अंदर दोस्तों वो आपको रूट बराबर रूट नहीं रहेगा, और फ्लक्स अंदर रूट वो खींच लेगा, अंदर रूट जब खींच लेगा एक बार, तो बस आपको कुछ नहीं कर सकते उसको आप, फिर उसको गाइडिंग करो, कटिंग करो, ये करो, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है फिर दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों सिंपल तरीका है, आपको रूट जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें रूट कंट्रोल फिलर दीजिए, और जब उसको फिर दोस्तों उसको अगर आप हॉल पास करते हैं तो उसमें बीच सेंटर में फिलर दीजिए, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों देखिए वेल्डिंग दोस्तों हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी ये दोस्तों अभी ये आर्टिकल दोस्तों रेडी हो गया जॉइंट, देखिए आर्टिक आज इसका रात को उसका आर्टी होना है। तो उसके दोस्तों देखिए अभी टेप जो है, देखो दोस्तों ये लो और ब्लैक टेप बंधा हुआ है इसमें है। तो उसके दोस्तों ये आर्टी के लिए भी रेडी हो गया जॉइंट अभी दोस्तों, कल हम लोग इसका फिटअप किए थे, आज इसका रेडी हो गया वेल्डिंग करके सब कुछ करके। और ये देखिए दोस्तों ये नया पीस ही है इसका दोस्तों, 3 जॉइंट इसमें फिलअप कैपिंग हो गया, और एक जॉइंट दोस्तों फिलअप होकर रखा हुआ है। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जॉइंट रखा हुआ है, हो सकता है मैं इसका कल इसका वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों को, फुल जॉइंट दिखाऊंगा आप लोगों को मैं दोस्तों। आज पूरा फुल जॉइंट कंप्लीट जॉइंट नहीं हुआ है आज इसका, तो दोस्तों आधा ही जॉइंट इसमें हुआ है। तो देखिए दोस्तों अभी इसका अभी रूट हुआ है इसका, शायद दिख रहा होगा आपको रूट हॉल पास फिलअप हो गया 3 जॉइंट का, और 3 जॉइंट दोस्तों बाकी है। एक जो टॉप में जॉइंट है ये फ्लांच पाइप फ्लांच जॉइंट है ये वाला हुआ है, और ये 2 एल्बो वाला जॉइंट हुआ है। तो दोस्तों 2 अभी कंप्लीट हो गया है, और बाकी कंप्लीट नहीं सॉरी दोस्तों अभी फिलअप हुआ है, और तो 3-4 बाकी है अभी वेल्डिंग करने के लिए। तो सोचता है मैं कल वीडियो में बना के दिखाऊं आप लोगों को मैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जरूर वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। उससे दोस्तों क्या फ़ायदा होगा आपको, कभी भी नए डालू नया वीडियो तो तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुँच जाए आपके पास। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और दोस्तों उसको बेल आइकन घंटी दबा के रख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए।